बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर ऑफिस से हैं? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। और जाहिर बात है आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज, वैक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में। उससे चलिए हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वैक्टर्स के बारे में। एडिशन ऑफ वैक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक बात जो आप लोगों ने यहां पे याद रखनी है, वेक्टर्स को हम वैसे ऐड नहीं कर सकते जैसे हम स्केलर को ऐड करते हैं। के लेट भी से जिस तरह हमने 2 प्लस 2 किया, 2 के जी प्लस 2 के जी, तो कितना बन गया 4 के जी। इस तरह से आपके पास जो है वो कोई भी क्वांटिटी है, जैसे करंट है, करंट 5 एम्पेयर था, फिर अगर हमने 4 एम्पेयर और जो है वो बढ़ाया तो टोटल करंट कितना हो जाएगा 9 एम्पेयर। तो यहां हम इनको बड़ा सिंपली ऐड कर रहे हैं बाय सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा, लेकिन वेक्टर्स जो है वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय स्पेशल रूल्स। वेक्टर एडिशन जो हम करते हैं वो हम करते हैं बाय स्पेशल रूल्स, बाय स्पेशल रूल्स ऑफ वेक्टर हम इनकी एडिशन करते हैं। स्पेशल रूल्स में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास? पहली जो हमारे जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो आप लोगों ने 9th क्लास में भी इवन के आप लोगों ने पढ़ के आए हुए हैं, हेड टू टेल रूल। तो आज हमारे पास एडिशन वेक्टर में हेड टू टेल रूल है। बाकी एक और हमारे पास हमारे इंटर के सिलेबस में आएगी, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो इंशाल्लाह फिर हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट टुडे जो आज हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल डिस्कस करने से पहले जरा प्रीवियस लेक्चर का रिव्यू हो जाए। जो प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोगों को याद है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर वाला, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर वाला आप लोग देखें, आपके पास जो लेक्चर था जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, हाँ जी ये वाला, ये देखें, यहां पे हमने डिस्कस किया था कि जहां से वेक्टर स्टार हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेल। और जहां ये हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है जहां पे इसको हमने हेड का नाम दिया हुआ है, तो ये है हेड और टेल। बहुत सारे स्टूडेंट ये बेसिक बेसिक बात पता नहीं होती कि टेल क्या है, हेड क्या है। तो मैं इसलिए बार बार रिकॉल कर रहा हूं कि चले कोई बात नहीं, 9th में आप लोगों ने नहीं किया मान लेते हैं, लेकिन यहां पे अब करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक ही मिस्टेक को बार बार करेंगे तो मिस्टेक से लाइफ फुल हो जाएगा, करेक्शन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अब यहां पे करेक्शन कर लें, ये बड़ी सिंपल सी बात है, टेल क्या होता है और हेड क्या होता है जो आपको मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और अब हमने क्या करना है, हमने जारी बात है ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज का होना जरूरी है। अब हम यहां पर दो वेक्टर कंसीडर करते हैं, ए और बी। लेट बी से हमारे पास एक वेक्टर है ए, जिस तरह के बुक में हमारे पास लिया गया है, ये वेक्टर है पहला, यह है ए, और एक दूसरा वेक्टर है हमारे पास, लेट बी से दिस, एंड दिस वेक्टर इज बी। अब हमने इनको ऐड करना है। अब हमारे पास मैंने मेथड बताया हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है, ये कहता है जी आप जो है वो हेड के साथ क्या मिलाएं, टेल, किसकी टेल मिलाएं, फर्स्ट का हेड। मतलब देखें हमने क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड, देखें इनको अगर मैं ऐड करना चाहूं तो ये हमारे पास वेक्टर है ए, ये वेक्टर ए है, सेम वही वाला वेक्टर है, अगर आप बुक देखें तो ये वही लेंथ और वही जो है वो इसकी डायरेक्शन, ये आ गया ए। इसके यहां पर हम हेड की पे करेंगे, इसके हेड पे हम बी की टेल, ये टेल जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही था कि बी हेड टू टेल, इसके हेड से बी की टेल को मिला दें, तो ये हमने बी की टेल को मिला दिया, ये आ गया वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट कहां होगा, रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक का होगा। अब यहां वेक्टर दो ही है हमारे पास, तो हमारे पास सिंपल ए की टेल से बी के हेड तक का क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर या इन दोनों का सम, वो क्या होगा, ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या आ गया,
ए प्लस बी, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट, मतलब जो हमें मिला। तो ये है वेक्टर्स को ऐड करने का मेथड बाय हेड टू टेल रूल। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव। ये बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन, पॉपुलर से शॉर्ट क्वेश्चन है, शो दैट वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कमोटेटिव, इज कमोटेटिव। कमोटेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास ए प्लस बी है तो इसकी पोजीशन चेंज कर दें, मतलब बी प्लस ए कर दें, तो ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। मतलब ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। अब आंसर कैसे सेम आएगा, जरा हम उसी तरह से चलते हैं जिससे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो वेक्टर ए है, सेम उस तरह से ये वेक्टर हमारे पास ए है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या था, बी, ये वेक्टर बी है। अब हमने इन दोनों को बाय हेड टू टेल रूल ऐड करना है। पहले हम ए प्लस बी करते हैं, ए प्लस बी अभी हमने किया था, हमने वेक्टर ए को ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए है, ये आ गया वेक्टर ए, और इसके हेड से हम जो है वो बी की टेल मिलाएंगे, तो ये आ गई बी, ये आ गया बी, और इसका रिजल्टेंट आपको पता है इसकी टेल से इसके हेड तक आ जाएगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल नहीं बना रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने बी प्लस ए करना है। बी हमारे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर, और ए हमारे पास क्या है, सेकंड वेक्टर। अब इसमें है, देखें आप सिंपली ये करें, पहले आप यहां पे बी बनाएं, यहां आपने बी बनाया, ये आ गया वेक्टर बी, इसके हेड पे ए को शिफ्ट कर दें। जब हम इसके हेड पे ए को शिफ्ट करेंगे लाइक दिस, ये आ गया वेक्टर ए। अब ये वाली जो डायग्राम है, ये वाला पोर्शन, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन सारा, ये वाला रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये कर रहा है बी के साथ हमने किसको ऐड किया, ए को, तो ये है बी प्लस ए। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये वाली जो हमने बी के हेड पे ए को शिफ्ट किया है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी प्लस ए को, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दोनों का, ये देखें यहां से ये वाला बनेगा, अब देखें दोनों का सेम बन रहा है, बी प्लस ए का भी वही है और ए प्लस बी का भी वही है। तो हम ये डायग्राम बनाएंगे और बता देंगे कि हमारे पास ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, हमारे पास रिजल्ट पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब यहां से ये रिजल्टेंट क्या है, दोनों का सेम, ये कमोडिटी प्रॉपर्टी शो हो गई। यहां से नेक्स्ट हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन है, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा जो है वो एक सिचुएशन देना चाहता हूं आप लोगों को। लेट बी से दो बच्चे हैं, उनके पास एक गाड़ी है जिसका बचपन की यादें, बचपन में कभी आप लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा कि आपके पास कोई गाड़ी होगी, आपने भाई के साथ मिलके जब इसका इंजन खराब कर दिया होगा, तो फिर आप लोगों ने इस गाड़ी को रस्सी बांधनी होगी। लेट बी से एक रस्सी आपने बांधी इसको, इधर आप इसको खींच रहे हैं, इस तरफ खींच रहे हैं, आपने इसको फोर लगा रहे हैं F1, और आपका भाई जो है लेट बी से वो इस साइड पे खड़ा हुआ है और वो इसको खींच रहा है इस तरफ, ये उसकी फोर लग रही है F2। देख रहे हैं आप लोग कैसे। अब यहां पे हमने इन फोर्सेस को ऐड करना है, फोर्सेस क्या है, वेक्टर है। अब यहां पे एक्चुअली हमने इनको बाय हेड टू टेल रूल ही ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस दिखाया। अब यहां पे देखें हमारे पास जो है, लेट बी से अगर मैं कहूं ये हमारे पास जो है 5 न्यूटन है, या कोई भी है, ये भी 5 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, तो इनको हम जब हाइट टू रेट रूल ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, इसके हेड पे हम F2 को शिफ्ट करेंगे। ये हमने F2 को शिफ्ट किया, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो इसकी फर्स्ट की टेल से इसके हेड तक का, फर्स्ट की टेल से इसके हेड तक का वेक्टर आ जाएगा हमारे पास।
लाइक दिस। तो ये हमने काम जो है वो, ये मैंने F1 F2 आप लोग को इसलिए बताई है कि हमारे पास अब नेक्स्ट चैप्टर 3 में जाके ये आना है कि हमारे पास फोर्सेस ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं, एक्सेलरेशन ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वहां आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जहां पर हमने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो भी हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो आया है, ये जो वेक्टर आया है, ये क्या है? रिजल्टेंट, मतलब F1 और F2 को हमने ऐड किया, ये इन दोनों का काम कर रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट बाकी तमाम वेक्टर्स को ऐड करें उनके इक्वल आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन अब हम यहां से करते हैं। अ वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट, अ वेक्टर हैविंग द सेम इफेक्ट एज ऑल अदर वेक्टर्स आर टेकन टुगेदर। ये बुक में भी लिखी हुई है, आप वहां से भी कर सकते हैं कि तमाम वेक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, छोटे छोटे वेक्टर्स को, तो उनको हम जो है वो उनका एक सिंगल वेक्टर जिसका उस तमाम छोटे छोटे तमाम वेक्टर्स का इफेक्ट के इक्वल इफेक्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। जिस तरह 10-10 वाले नोट हो, 10-10 वाले पैसे देखे ना आप लोगों ने, 10-10 वाले 10 हो और 100 वाला 1 हो, तो क्या होगा? 100 वाले का इफेक्ट कैसा है? उन तमाम 10-10 के जो नोट हैं, छोटे वाले जो हैं, उनके जैसा है। तो ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर। 100 रुपए वाला नोट, 100 रुपए वाला नोट तो याद रहेगा ना, पैसे हमें तो भूलते नहीं है। बड़ा भी सो सकते हैं, ये भी सोचते हैं 1000 वाला नोट है, तो 10-10 वाले जो हैं, 10 सॉरी 100-100 वाले जो हैं, हमारे पास 10 नोट है, तो 1000 जो है वो क्या है? उनका रिजल्टेंट है। तो खैर ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो यहां तक हमारे पास जो है वो एडिशनल वेक्टर। लेकिन एक जाते थे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर, लेट बी से जैसा ये ए है जैसे हमने पहले बनाया था, और लेट बी से ये बी है, और हमारे पास ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है, और ये वेक्टर ई है। अब ये क्या है? बहुत सारे वेक्टर हैं। अब कैसे ऐड करना है इनको? सेम हैड टू टे रूल, मतलब ए जो है वो ऐसे है, ये ए है, बी कैसे है? बी ऐसे है, ये बी है, सी कैसे है? सी ऐसे है, ये सी है, डी कैसे है? डी ऐसे है, इट इज डी, ई कैसे है? ई ऐसे है। तो आप देख रहे हैं तमाम को हेड टू टेल रूल फॉलो कर रहा है, तो हमारे पास जो है यहां पे इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो यहां से यहां तक आ जाएगा। ये इनका रिजल्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये हमारे पास जो है वो हेड टू टेल रूल से हम बहुत सारे वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया था कि दो भाई एक गाड़ी को खींच रहे हैं, और आपको यहां दिख रहा है डायग्राम के अंदर कि दोनों भाई जो है वो एक ही तरह नहीं खींच रहे, एक उस साइड से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। लेकिन अगर दोनों भाई एक ही तरफ खींच रहे होते फिर क्या होता? लेट बी से जैसे कि मैं आपको एक और कंडीशन देता हूं कि लेट बी से कि दो भाई हैं, आपस में बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, या लेट बी से कि हमारे पास जो है वो एक गाड़ी को धिक्का लगाना पड़ा है, आपकी गाड़ी जो पे आप लोग जा रहे थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप लोगों की गाड़ी खराब कर दी मैंने, तो आप लोगों की गाड़ी होगी खराब, ठीक है, आपकी गाड़ी होगी खराब, आपने कहा जी इसको धिक्का लगाए। अब उसको जो है वो दो बंदे मिलकर धिक्का लगा रहे हैं, लड़की से एक बंदा जो है वो इसको, जारी बात है दोनों बंदे धिक्का लगा रहे हैं, एक इस साइड पे खड़ा होकर धिक्का लगाएगा, इसको इस तरफ लगा रहा है, इसकी फोर्स भी कहां लग रही है? इस तरफ। अगर ये इसको फोर लगा रहा है 10 न्यूटन, एक और बंदा जो है आप कहते हैं कि जी इससे तो गाड़ी चलने लगी, आप एक भाई साहब की और मिनट करते हैं, यार मेरी गाड़ी को प्लीज धिक्का लगा दो, तो वो भी साथ इसके मिल जाता है, वो कहता है ठीक है मैं भी लगाता हूँ भाई, अल्लाह ताला मुझे भी सवाब देगा। ये इसको धिक्का लगाता है और ये फोर लगाता है इधर, ये जो है वो आपने बंदा पकड़ा जोशीला, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, अब धक्का तो दोनों इस तरफ लगा रहे हैं ना, अब इन दोनों की फोर्स लगने वाली कितनी होगी? जरा देखें, अब जो ये लगा रहा है वाइट वाला,
इसकी फोर्स का वेक्टर है 15 न्यूटन का, ये भी उधर लगा रहे हैं, और जो दूसरा पहले वाला है वो भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना वो भी 10 न्यूटन, तो टोटल अब फोर्स कितना लगेगा, दोनों क्या है पैरेलल, देख रहे हैं दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का रिजल्टेंट जो है, अब देखिए जरा यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बात, दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 25 न्यूटन। अब हमने क्या किया, हमने वेक्टर को यहां पे सिंपल ऐड कर दिया बाय अलजेब्रा रूल, तो याद रखिए मैंने वेक्टर पैरेलल दे कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा रूल, नोट क्या लें आप, नोट वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल या पैरेलल वेक्टर्स, जो पैरेलल वेक्टर्स हैं जो सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम, कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा रूल, सिंपल अलजेब्रा रूल, ये आप याद रखेंगे, वहां पे हमें कोई ग्राफिकली वर्क करने की जरूरत नहीं है, वहां हमें कोई हेड टू टेल रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर हम एक और कंडीशन ले लें यहां पे, कि हमारे पास गाड़ी है सेम, अब बच्चे वाली गाड़ी ले लेते हैं, एक बच्चे वाली गाड़ी है हमारे पास, दो बच्चे आपस में लड़ पड़े, आप अपने भाई से लड़ पड़े कि भाई ये गाड़ी जो है वो मेरी है, एक भाई अपनी तरफ खींचता है, एक कहता है जी मेरी है, एक इस तरफ खींच रहा है, दरी बात अपनी तरफ खींचेगा ना, ये आप सोचें समझें कि ये यहां पे 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, और दूसरा जो है वो कहता है जी नहीं ये गाड़ी तो मेरी है, ये अब्बा ने मुझे ला के दी थी, वो कहता नहीं अम्मा ने मुझे ला के दी थी, ये भी इसको अपनी तरफ खींचता है विद फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, दोनों सेम तरह से खींच रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाई ये मेरी गाड़ी है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, गाड़ी किधर जाएगी, ऐड करके देखते हैं, इधर लग रहा है फोर्स 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, अब बाय हेड टू टेल रूल, इसका हेड जो है वो इसके हेड से इसकी टेल मिलाते हैं, इसकी टेल यहां पर रखी तो इसका हेड जो है वो इसी की टेल पे आ गया, इसका हेड इसी की टेल पे आ गया, अब इस केस में रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। अब यहां पर भी देखें, ये वाला 5 हमने लिया पॉजिटिव, ये वाला 5 हम करेंगे नेगेटिव, कोई रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बड़ा था कि हम इस साइड राइट साइड वाली फोर्स के लेते हैं पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली के लेते हैं नेगेटिव, तो हमारे पास जो है अब यहां पे दोनों आपस में ऐड होंगे तो आंसर क्या आ गया, 0। अब यहां पे दोनों ऑपोजिट हैं, अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल, तो यहां पे एंटी पैरेलल में भी हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी एडिड, कैन ऑल्सो बी एडिड बाय सिंपल अलजबरा रूल, और यहां अगर लेट भी से मैंने यहां पे कहा कि दोनों 5 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या होगा, 0, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल पे मिल गया। अगर यहां पे इससे एमसीक्यू बनता है कि दो फोर्सेस मिनिमम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का सम 0 हो सकता है, दो मिनिमम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का सम कितना हो सकता है, दो वेक्टर्स का सम कितना हो सकता है, 0, अगर वो इक्वल है और अपोजिट है जैसे यहां दिख रहा है, लेकिन अगर 3 हो तो फिर क्या होगा, फिर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ना भी हो और डायरेक्शन अपोजिट ना भी हो, ये हमारे पास 2.2 शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बताएं कि 3 वेक्टर है उनका सम 0 हो सकता है तो उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, तो उनकी अरेंजमेंट 2.2 शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखें, उनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह की होगी, ये वेक्टर 1 होगा, ये वेक्टर 2 होगा और ये वेक्टर 3 होगा, तो इनकी ट्राइंगुलर शेप होगी ए, ये बी और ये सी, तो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि लास्ट वाले वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिल गया, तो यहां पे इनका इक्वल होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन में अपोजिट होना जरूरी नहीं है, तो
तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। एक जाते जाते एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब हमने पैरल में ऐड किया इनको, पैरल में ऐड किया, तो रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आएगा। जब फोर्सेस या वेक्टर पैरल होंगे तो रिजल्टेंट कितना आएगा? मैक्सिमम। और पैरल में याद रखें थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। और जब हमने इनको ऐड किया एंटी पैरल में, तो याद रखें रिजल्टेंट कितना आएगा? मिनिमम। और एंटी पैरल में एंगल कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे जो आप लोगों को समझने की जरूरत है, और बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज आपके यूं कर देंगे यूं। ठीक है, तब आप बोलेंगे थैंक यू सो मच सर विकास। तो ये आपने लेक्चर बड़ा गौर से ध्यान से देखना है मेरे बच्चों। तो ये आज का लेक्चर था जहां हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।